नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। टोक्यो पैरालंपिक्स एक बड़ी खबर है और भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर इतिहास रचा है। जी हां, इस बार ये निशानेबाजी में इतिहास रचा गया है और भारत के पैरालंपिक्स खिलाड़ी, आपको बता दें कि मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा है। गोल्ड मेडल जीतकर मनीष नरवाल ने भारत के नाम को रोशन किया है और खास बात तो ये भी है कि सिल्वर मेडल भी भारत ने ही जीता है। आपको बता दें कि सिल्वर मेडल जीता है भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधारा ने और दोनों ने कारनामा कर आपको बता दें कि भारत के लिए दो मेडल जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में मनीष नरवाल ने रचा इतिहास। टोक्यो पैरालंपिक्स में 50 मीटर मिक्स्ड शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। देश के लिए जीता पैरालंपिक्स में तीसरा स्वर्ण पदक। जी हां, भारत के मनीष नरवाल ने इतिहास रच दिया है। 50 मीटर मिक्स्ड शूटिंग में उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। यही नहीं, भारत के ही सिंहराज अधारा ने सिल्वर मेडल भी जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भारत ने अपने नाम किया है। आपको बता दें कि 19 साल के मनीष नरवाल ने पैरालंपिक में रिकॉर्ड भी बनाया है और 218.2 का स्कोर करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं P1 पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में मंगलवार को कांस्य जीतने वाले अधारा ने 216.7 अंक बनाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें कि क्वालिफाइंग दौर में अधाना और नरवाल ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन वो चौथे और सातवें स्थान पर थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड और सिल्वर अपने नाम किया। आपको बता दें कि शूटिंग में ही अवनी लखेरा ने भी दो पदक जीते हैं, जिनमें उन्होंने एक स्वर्ण पदक और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक्स में अभी तक भारत ने 15 पदक जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल है और पैरालंपिक में अब तक का ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और मौजूदा वक्त में मेडल टैली में भारत 34वें स्थान पर है। लेकिन कुल मिलाकर गोल्ड मेडल जीतकर 19 साल के मनीष नरवाल ने इतिहास रच दिया है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो टोक्यो पैरालंपिक्स में अब तक का भारत का यह शानदार प्रदर्शन रहा है, क्योंकि अभी तक टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत 15 मेडल जीत चुका है और खास बात तो यह है कि इसमें 3 गोल्ड मेडल शामिल हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक्स से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचती रहेगी, साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये खबरें जानने के लिए आपको बस करना सिर्फ इतना है कि हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाना होगा ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो जाइए हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों का अपडेट। तो इस खबर के साथ फिलहाल मुझे आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।